दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि दोस्तों आप अगर फेसबुक पर कोई भी पोस्ट या स्टोरी या कुछ भी अपलोड करते हो तो आप उसको कैसे यहाँ से दोस्तों प्राइवेट और उसको लॉक कर सकते हो, यानी कि उसको पब्लिक और प्राइवेट आप किस तरीके से करोगे, तो यही आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो। दोस्तों आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में फेसबुक को ओपन कर लेना है। जैसे आप फेसबुक को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रोफाइल पेज देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर कर लेना है क्लिक और आपकी प्रोफाइल पे चले जाना होगा। जैसे आप आपकी प्रोफाइल पर आते हो तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। और आपको अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने ये पोस्ट डाल रखी है, ये अभी पब्लिक है, तो इसको मैं आपको प्राइवेट करके बताऊंगा जिसको केवल आप ही देख सकोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थ्री लाइन का आइकन, थ्री डॉट का आइकन देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले एडिट पोस्ट पर चले जाना है। जैसे आप एडिट पोस्ट पर जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स पर करके क्लिक, दोस्तों आपको यहाँ पर सीन मोड पर करके ओनली मी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है, आपकी ये फ़ोटो लॉक हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरीके से दोस्तों आप फेसबुक की पोस्ट को किसी को भी प्राइवेट कर सकते हो। इसको अनप्राइवेट वापस कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको ओनली मी पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फ्रेंड पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों इस पर क्लिक कर दोगे तो ये फ्रेंड्स पे ही पहुंचेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।